यूक्रेन के डोनबास में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है रूस। डोनबास के डिफेंस लाइन को तोड़ना चाहता है रशिया। डोनबास के जरिए सड़क मार्ग बनाना चाहता है रूस। रूसी सेना की कीव में हार से बौखलाए हुए हैं पुतिन, इसलिए डोनबास पर यह कहर कई गुना ज्यादा बढ़कर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनिए इन धमाकों को, महसूस कीजिए इन आवाजों को, और फिर चलते हैं हमारे अगले मेहमान के पास। कमर आगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के मामलों में, उनसे बढ़िया आपको शायद ही कोई बता पाए। और प्रोफेसर कपिल कुमार भी इतिहासकार हमारे साथ अब इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। दोनों का स्वागत करता हूं। पहले कमर आगा साहब, आपसे क्या उकसाया जा रहा है रूस को, और रूस इस ट्रैप में आता जा रहा है क्या? रूस एक इस ट्रैप में फंस चुका है पूरी तरीके से, वहां से उसका निकलना भी मुश्किल है। लेकिन जो अमेरिकन प्लान है वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में आसानी से पूरा हो जाएगा। रूस बहुत शक्तिशाली देश है और मिलिट्री पावर देखी जाए तो वो सुपर पावर है मिलिट्री में, स्ट्रेंथ में। और फिर उसके अलावा उसकी इकनॉमी भी बुरी नहीं, टेक्नोलॉजिकली भी बहुत सेवी है, बहुत साउंड है, नई टेक्नोलॉजीज में बहुत आगे निकल गया, जिसका खतरा यूरोप को हमेशा लगता है कि वो उसके मार्केट को भी चैलेंज कर रहा है बहुत तेज़ी के साथ। अब तो फार्मास्यूटिकल में भी आ गया है, फिर सिविल एविएशन में भी दोबारा से कोशिश कर रहा है आने की, उसने अनाउंस किया है। तो ये मुश्किल काम होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि फिनलैंड और ये जो न्यूट्रल देश थे फिनलैंड और स्वीडन या और दूसरे जो देश हैं पास के उधर के बाल्टिक सीज के जो से जुड़े हुए जो देश हैं, इनको ये सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन का पार्ट है। ये सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट भी है साथ में। क्या ये सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? इस बात को लेकर आगे जाता हूं मैं, प्रोफेसर कपिल कुमार के पास जाना चाहता हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार, सेंट पीटर्सबर्ग, यहां पर क्या एक सीधा खतरा अपने शहरों को रूस और देखेगा, और क्या ये उसका गुस्सा और बढ़ेगा, या आपको लगता है जो कीव तक पहुंचकर डोनबास में खुद कन्फाइन हो गया है वो धीरे धीरे अब अपने आप को शांत भी कर लेगा खुद? दिनेश जी, आपने एक बात कही थी कि पुतिन कितनी जगहों पर और हमला करेगा, कितने देशों पे कौन हमला करेगा। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, नाटो और बिन लेडन मिलके पुतिन से और किन देशों की बलि चढ़वाएंगे? आपने तीन देश गिनाए, मैं उसमें मैं तीन और गिना देता हूं। इसमें पोलैंड को जोड़ दीजिए, इसमें रोमानिया को जोड़ दीजिए, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। आप ये देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये नाटो खुद लड़ाई में कभी नहीं आएगा, अमेरिका खुद लड़ाई में कभी नहीं आएगा सीधा, ब्रिटेन खुद लड़ाई में कभी नहीं आएगा। और इनको आगे भिड़ा के आप देखिए कितना इसका आर्म्स का मार्केट बढ़ रहा है, कितना इसका फार्मास्यूटिकल का बढ़ रहा है। यूरोप के अंदर ये डर फैला के कि एटम बम आएगा, वो गोलियां खरीदी जा रही है रेडिएशन के अगेंस्ट, उस कंपनी के शेयर देखिए कहां पहुंच गए। और जब आप स्प्रिंग को उतना ही दबाया जाता है कि स्प्रिंग अपने माथे में हिट ना करे आके, इन्होंने रूस के स्प्रिंग को दबाया है। और जैसा अभी जनरल साहब ने कहा, ये लोग रूस की शक्ति को अभी पहचान नहीं रहे, ये वही गलती कर रहे हैं जो नेपोलियन ने की थी रूस के ऊपर हमला करके, और जो हिटलर ने की थी रूस के ऊपर हमला करके। अरे एक वो कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का किम इल जुंग, वो एक मिसाइल छोड़ता है तो अमेरिका को पसीने आ जाते हैं। बाइडेन साहब, ये रूस है, ये किम इल जुंग नहीं है नॉर्थ कोरिया वाला जो आपको पसीने दिला देता है। ईरान कुछ करता है तो इनको पसीने आ जाते हैं, और तालिबान के आगे ये दुम दबा के भाग आते हैं। अरे भाई, कहां के वीर योद्धा है ये? ये सिर्फ कनिंग पॉलिटिशियंस है, ये लोग सिर्फ पैसे के व्यापारी है, मुनाफा कमाने के व्यापारी है। मतलब सीधी सी बात आपकी है सर कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब रूस क्या करेगा, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि रूस क्या करेगा। रूस अभी बहुत कुछ कर सकता है, और वो जो अभी तक दादा बने घूम रहे हैं उनको देख लिया गया है तब जब किम जोंग उन ने एक मिसाइल टेस्ट की, उनको पसीने आने लगे। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, मतलब अभी बहुत कुछ
होना बाकी है क्या? इसीलिए ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आने वाला हफ्ता बेहद क्रूशियल है। किस अंदाज में वो कह रहे हैं, क्यों वो आने वाले हफ्ते में एक बहुत बड़ा कुछ होता हुआ देख रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।